श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चा। उन्नत और विकसित भारत की कल्पना उन्नत और विकसित ग्रामीण भारत के बिना असंभव है। अगर आप विकास की ओर बढ़ते ग्रामीण भारत को देखना चाहते हैं तो गांव एआलकी में आपका स्वागत है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर उत्तर की ओर स्टेट हाईवे नंबर 21 पर स्थित गांव एआलकी। चारों ओर हरे भरे खेत, खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण, रंग बिरंगे घर व साफ सुथरी गलियों को अपने आंचल में समेटे हुए हरियाणा के विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता व आधुनिक ग्रामीण भारत का ज्वलंत उदाहरण गांव एआलकी। बारे में हम बात करें तो गांव एआलकी के अंदर चहुंमुखी विकास है। चारों तरफ सफाई, ना कूड़ा ना करकट, हर गलियां पक्की, लोग है, पानी का प्रबंध है और बिजली का प्रबंध है। लगभग सभी भौतिक और सामाजिक सुविधाओं से परिपूर्ण एक गांव। ऐसा नहीं है कि गांव एआलकी ने विकास के इस आयाम को रातों रात पाया हो। पिछले कई वर्षों से गांव की पंचायत व ग्रामीण कंधे से कंधा मिला गांव की उन्नति को आगे बढ़ाते आ रहे हैं। खासकर पिछले 5 वर्षों में पंचायत व ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से गांव एआलकी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। मौजूदा ग्राम सरपंच श्री इंदिरा देवी पुनिया बताती हैं कि बीते 5 वर्षों में गांव में रिकॉर्ड 50 से ऊपर गलियों का निर्माण किया जा चुका है व बची शेष गलियों का भी तेजी से नवीनीकरण किया जा रहा है। मैं इंदिरा देवी सरपंच ग्राम पंचायत एआलकी से। वैसे तो जो पुरानी पंचायती थी उन्होंने बहुत से विकास कार्य करवाए हैं, पर लोगों के सहयोग से मैंने बहुत से विकास कार्य किए हैं। जैसे 90% गलियाँ इंटरलॉकिंग करवाई है और थोड़ी बहुत जो अगर रह गई है तो वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं उनको इंटरलॉकिंग करवाई जाए। प्रगति के पथ पे बढ़ते हुए गांव एआलकी के अंतर्गत आने वाले ढाणी चांचक व साधावाली का भी पूरा ध्यान रखा गया है। गांव की मुख्य गलियां जैसे कि गुरुद्वारा साहिब से जानवाला रोड, रतिया रोड से जानवाला रोड फिरनी और बस स्टैंड से गांव की फिरनी को 33 फीट चौड़ा करके इंटरलॉकिंग द्वारा पक्का किया गया है। साथ ही गांव के मुख्य चौक चौराहों को खुला व सुंदर बनाया गया है। यहां बहुत से ग्रामीण खेतों में अपना घर बनाकर रहते हैं जिन्हें ढाणी कहा जाता है। ढाणी में रहने वालों को गांव आने जाने में कोई परेशानी ना हो इसके लिए पक्के रास्ते बनवाए गए हैं। व्यक्ति ने साथ देने के कारण ही हमने गांव में विकास करवाया। गांव की सभी गलियां पक्की व नालियां पानी निकलने के लिए खाड़ की व्यवस्था गांव में बनाई गई है।
शिक्षा के महत्व को भली भांति समझने वाली गांव की सरपंच ने गांव के स्कूल को 10वीं से अपग्रेड करवा 12वीं तक करवाया है। साथ ही स्कूल में नए भवन भी बनवाए हैं, विशेष भवन बनवाने का कार्य भी जारी है। पहले हमारा 10 का स्कूल था जिसको अपग्रेड करा के प्लस 2 का स्कूल बनवाया। अब नए सिरे से स्कूल का एक बहुत बढ़िया भवन बनेगा। गांव के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए भी गांव की पंचायत हर संभव प्रयास कर रही है। एक तरफ जहां गांव के करीब 650 लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिलवाया जा रहा है और गांव के अंदर हमने 650 मनरेगा मजदूरों की जो है जॉब कार्ड बनवाए। वहीं गांव की सरपंच के सराहनीय प्रयासों के चलते प्रदेश की सबसे बड़ी साप्ताहिक पशु व्यापार मंडी को भी गांव की जमीन उपलब्ध करवाई गई है, जिससे गांव की पंचायत की आय बढ़ने के साथ ही गांव के बहुत से लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। शहरों की भांति गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के लिए गांव के लिए अलग से सप्लाई लाइन डलवाई गई है। गांव के नौजवान नशे से दूर रहें व सेहतमंद रहें, इसके लिए गांव में स्टेडियम व व्यायामशाला का निर्माण भी करवाया गया है। खेल के क्षेत्र में भी गांव एयालकी देश में विशेष स्थान रखता है। इस गांव से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हमारे गांव यालकी में स्टेडियम बनाने से बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। बच्चे नशे से दूर होकर खेलों की तरफ ध्यान देने लग गए हैं। व्यायामशाला के अंदर शाम को बच्चे जाते हैं और खेलते हैं, जिससे हमारे गांव के अंदर जो है किसी भी प्रकार का नशे के मुक्त होने के कारण हमने ये खेल की परियोजना बनाई। गांव की बेटी सीमा राय का राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने के बाद अब राष्ट्रीय खेल अकादमी में बतौर साइकिलिंग कोच अपनी सेवाएं दे रही हैं। गांव के बच्चे व नौजवान उनको अपनी प्रेरणा मानते हुए अब खेलों में अपने भविष्य के लिए लगन से मेहनत करते हुए नजर आते हैं। देश के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को लागू करने का भी गांव की पंचायत ने भरसक प्रयास किया है, जिसके चलते यहां पर लड़कियों की जन्मदर में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मैंने महिला होने के नाते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को यथार्थ किया है। हमारे गांव में पहले लड़कियों की संख्या कम थी और अब लड़कियों की संख्या ज़्यादा है और लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं समझा जाता। यहाँ की बहुत सी बेटियाँ प्रदेश व केंद्र सरकार में सेवाएं भी दे रही हैं। पर्यावरण हितैषी गांव के सरपंच गांव में पौधारोपण पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। गांव के शमशान भूमि के नवीनीकरण के साथ ही पौधारोपण व पानी के कुंडों का भी निर्माण किया गया है। गांव के छोटे मोटे सामाजिक कार्यों के लिए गांव में ओढ़ चौपाल का निर्माण भी करवाया गया है। हमारे गांव के अंदर शादी के लिए कोई जगह नहीं थी, ओढ़ चौपाल तो जो अलग से बना के गांव के लिए शादी, गरीब के लिए शादी या कोई मरकत हो जाती थी तो जगह नहीं थी, गरीबों के लिए वो भी हमने बनवाई। गांव के आंगनवाड़ी भवनों की रिपेयरिंग के साथ ही शौचालयों का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है। गांव के युवा कृषि पशुपालन सरकारी प्राइवेट सेवाओं के साथ ही सेवे रोजगार में व्यस्त रहते हैं। इस गांव में दूध इकट्ठा करने की 2 डेयरियां हैं, साथ ही दूध को ठंडा करके ट्रांसपोर्टेशन करने का भी एक प्लांट लगाया गया है। हाँ जी, हमारे यहाँ की गांव में 2 डेयरियां हैं दूध वाली, मेरे पास 300 लीटर दूध है डेली का। यहाँ पर सभी घरों में शौचालय उपलब्ध हैं। पहले हमारे गांव के अंदर क्या होता था कि बोतल और लोटा लेके सुबह के टाइम लोग खुले में सोच जाते थे और बहन बेटी उनका जो ना तो पर्दा रहता था और ना समय पर वो जो है शौच मुक्त होती थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने ये पूरे देश के अंदर एक मुहिम चलाया कि भाई खुले में शौच जो है ये हमारे बीमारी का घर है। अब हमने उन बहन बेटियों को इज्जत मान को हमारे रखते हुए तो हमने घर घर जो शौचालय
बनवाए और गांव को जो है खुले में शौच मुक्त किया। गांव यालकी के ग्रामीण सभी त्यौहार बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। वह अपने गांव की साफ सफाई व उन्नति को लेकर सजग रहते हैं। पहले की जो पंचायतें थी, जब से देश आजाद हुआ है, सभी सरपंचों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और अब आप देख सकते हैं ये चौक है, मंदिर वगैरह काफ़ी टाइम पुराने हैं। पहले ये इंटों से पक्के थे, अब इंटरलॉक लग गए हैं और मेरे गांव की कोई भी गलियां कच्ची नहीं रही है। और मेरे गांव की जो विवादित गलियां थी, वो सरपंच ने बहुत अच्छा कार्य किया है और लोगों ने छत्तीस बरादरी का पूरा सहयोग है। यालकी बहुत अच्छा है, यहाँ इस प्रकार के लोग रहते हैं, सब एक दूसरे से मिलजुल कर बहुत अच्छी तरह रहते हैं, एक ही परिवार रहते हैं। गांव यालकी की सरपंच इंदिरा देवी पुनिया ने गांव के भविष्य की योजनाओं के लिए भी रोड मैप तैयार कर लिया है। गांव के युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें, इसके लिए वह शीघ्र ही गांव में हाईटेक लाइब्रेरी खुलवाना चाहती हैं। साथ ही प्रदेश सरकार की सक्षम युवा योजना के तहत कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम को लाने के लिए भी प्रयासरत हैं। शीघ्र ही वह गाँव में फ्री वाईफाई, CCTV कैमरे व वाटर कूलर की व्यवस्था भी करवाना चाहती हैं। गांव अयाल की आदर्श गांव बनने की ओर अग्रसर है, जहां पर 24 घंटे बिजली, खुले चौड़े चौक, साफ सुंदर गलियां, घर घर साफ पीने का पानी, 12वीं तक की कक्षा का विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, खेल स्टेडियम, एक राष्ट्रीय और एक निजी बैंक की शाखा, किसानों को बीज व खाद उपलब्ध करवाने के लिए इफको केंद्र की शाखा भी उपलब्ध है। ऐसे ही सुंदर ग्रामीण भारत की कल्पना सही में विकसित भारत की कल्पना है।